अगर एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम है, इसका मतलब हम उसे जितना इनकरेज करते हैं उससे ज्यादा उसे एडवाइजेस देते हैं। अगर एक बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, इसका मतलब हमने उसे कभी कोई डिसीजन लेने ही नहीं दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा, चैनल किस्से कहानियाँ और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर नॉवल हर लास्ट विश जिसे अजय के पांडे ने लिखा है उसकी समरी के कंटिन्यूशन के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। ये नॉवल जो कहानी है विजय और आस्था की, कहानी एक ऐसी वाइफ की जो अपने हस्बैंड को बदल देती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ला देती है। एक ऐसे हस्बैंड की जो अपनी वाइफ की खुशी के लिए किसी हद तक भी जाता है। आस्था जिसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए होते हैं और पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, कैसे हैंडल करता है उसका हस्बैंड इस बीमारी को। एक बड़ी बात यह है कि विजय को आस्था की ये बीमारी HIV पॉजिटिव उसे कैसे हुआ? उस सब से कोई मतलब नहीं है, वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। उसे मिली है एक लिस्ट जो आस्था ने कभी बनाई थी, मरने से पहले वो क्या पाना चाहती है, वो लिस्ट जिसमें 7 चीजें लिखी है। नंबर 1, वो माँ बनना चाहती है। आस्था जो भी प्रेग्नेंट है वो माँ तो बन ही जाएगी, इसलिए लिस्ट की एक चीज तो पूरी हो गई। नंबर 2 पर है कि वो डैनियल से माफी मांगना चाहती है, डैनियल जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब विजय उसके बिहाफ पर डैनियल से माफी मांगने गया तो था, पर उसने माफ नहीं किया। 3rd नंबर पर वो चाहती है कि वो अपना बर्थडे बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करे। अब ये कैसे होगा फिलहाल विजय नहीं जानता। 4th नंबर पर वो चाहती है कि उसके बैंक में 50 लाख या फिर 1 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, ये तो विजय के लिए फिलहाल इम्पॉसिबल ही है। 5वें नंबर पर वो चाहती है कि वो एक हीरो से शादी करे, पर विजय के हिसाब से उसकी शादी तो 0 से हुई है। 6वें नंबर पर वो चाहती है कि उसे किसी गॉसिप मैगजीन के कवर पेज पर फीचर किया जाए। और 7वें नंबर पर उसने लिखा है BP, जिसका मतलब विजय नहीं जानता। अगर आपने नॉवल का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो उसे भी इसी चैनल पर सुन लीजिए, ताकि कहानी आपको और अच्छे से समझ में आए। फिलहाल मैंने आपको जस्ट बता दिया है, और देखना ये है कि कैसे विजय आस्था की ये सारी इच्छाएं पूरी कर पाएगा। चलिए करते हैं कहानी को कंटिन्यू। कहानी जिसमें हमने पिछले हफ्ते जाना कि विजय आस्था से छुपा रहा है कि उसे HIV है, पर विजय के फादर बताते हैं कि आस्था ये जानती है। एक्चुअल में जब विजय आस्था को बहुत पैम्पर करने लगा, उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, उसकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, उसकी बहुत केयर हो रही है, तो वो बहुत परेशान होती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब कुछ क्या है। तब वो विजय के डैड को फोन करती है और उनसे पूछती है क्या है असलियत, और वो उसे सब कुछ बता देते हैं। पर आस्था ने उनसे प्रॉमिस लिया होता है कि वो विजय को कुछ नहीं बताएंगे। इस तरह आस्था विजय की खुशी के लिए एक्टिंग कर रही है, ताकि विजय जो पैम्परिंग उसे दे रहा है, उससे जैसे बीमारी को छुपा रहा है, उसके सामने अपने आंसुओं को छुपा रहा है, वो छुपाता रहे। दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते, एक दूसरे से दूर होकर ही अपने आंसू बहाते हैं। विजय का बर्थडे आ गया था और आस्था कहीं बाहर जाना चाहती थी। डैड ने अलग से फोन करके विजय को विश किया था और मॉम उससे मिलने आई थी, पर घर पर नहीं, उसे पिज्जा हट बुलाया था। विजय उनसे मिलने पिज्जा हट गया था। वो आस्था की प्रेगनेंसी के बारे में जानती थी, हाँ HIV के बारे में नहीं जानती थी, पर फिर भी वो आस्था को कंग्रेचुलेट करने तक नहीं आई थी। उनके मन में आस्था के लिए अभी बहुत सारे ग्रजेस हैं, जिन्हें वो दूर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि आस्था ने उनसे उनका बेटा छीन लिया है। दोनों ने उस दिन बहुत सारी बातें की और बहुत दिनों के बाद विजय उस दिन बहुत हंसा भी था। घर आकर आस्था मान ही नहीं रही थी, इसलिए वो उसे पास ही के पिंड बलूची रेस्टोरेंट में ले गया था। दोनों ने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी, पर खाना खाने के बाद आस्था के पेट में बहुत दर्द होने लगा था और विजय उसे वहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले गया था। कुछ टेस्ट हुए थे, डॉक्टर ने कहा था कि प्रॉब्लम बढ़ रही है और आस्था को बेड रेस्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, इसके लिए विजय को उसके लिए कोई फुल टाइम नर्स रखनी चाहिए। विजय जिसे जॉब पर भी जाना है, वो अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करेगा, पर नर्स रखना?
विजय के एक्सपेंसेस ऑलरेडी ही इतने बढ़ चुके थे कि उसके लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो आस्था के लिए नस रखना चाहता था, इसलिए वो कुछ एजेंसीज में भी गया। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी था और साथ साथ जिसको भी वो बताता था कि उसकी वाइफ को HIV है, कोई भी नर्स उनके घर पर आने को तैयार नहीं होती थी। विजय कहता कि HIV कोई छूने से फैलने वाली बीमारी तो है नहीं, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। जो वहाँ की सीनियर नर्सेज मान भी रही थी, पर फिर भी वो एक HIV पेशेंट की केयर करने को तैयार नहीं थी। एक HIV पेशेंट को बहुत बुरी तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जबकि HIV एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड के टच होने से फैल सकती है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैल सकती है। इसके बावजूद भी एक HIV पेशेंट को अछूत की तरह ट्रीट किया जाता है। विजय का दिल बहुत दुखा था। उसने वापस आकर डॉक्टर रजा को बताया था। उन्होंने कहा था कि तुमसे बेटर नर्स कोई नहीं हो सकता आस्था के लिए, इसलिए तुम इंजेक्शन लगाना सीख लो, ब्लड का सैंपल लेना सीख लो और तुम आराम से आस्था की केयर कर सकते हो। विजय के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब जॉब का क्या करे। वो अपने प्रिंसिपल के पास गया, जो ऑलरेडी ही उससे बहुत गुस्सा थे। उसने कहा कि उसकी वाइफ बीमार है। उन्होंने पूछा क्या बीमारी है। विजय ने कहा वो प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बीमारी, प्रिंसिपल ने सरकास्टिकली कहा। जिस पर विजय ने कहा कि उसे और भी कुछ बीमारी है, उसके पास कुछ ही समय बचा है और मुझे उसकी केयर करनी है। उसने कहा कि मैं 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं आ पाऊंगा कॉलेज में। उन्होंने कहा ठीक है, फिर बेबी आधी हो जाएगी। विजय मान गया था, क्योंकि कोई चारा ही नहीं है। उसे अपनी आस्था को बचाना है, उसे अपनी आस्था का ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि 8 नवंबर को कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, जिसमें HRD मिनिस्टर भी आने वाले हैं और वो चाहते हैं कि विजय इस प्रोग्राम में उनकी मदद करे, इस प्रोग्राम में कुछ काम संभाले, अगर वो पढ़ा नहीं पा रहा तो भी। विजय एक और बड़े असमंजस में फंस गया था, क्योंकि 8 नवंबर को ही था आस्था का बर्थडे, पर इस समय उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने हाँ कह दिया था। जब वो घर पहुंचा और आस्था को बताया तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कॉलेज चले जाना, मेरे लिए तुम्हारे साथ बिताया हुआ थोड़ा भी समय बर्थडे पार्टी से कम नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, तुम आराम से कॉलेज जाना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। विजय और आस्था उस दिन बात कर रहे थे, तब विजय ने पूछा अगर तुम्हें किसी को माफ करना हो या किसी से माफी मांगनी हो तो किससे मांगोगी। विजय डैनियल का नाम एक्सपेक्ट कर रहा था, पर आस्था ने कहा मैं अपनी सौतेली माँ को माफ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो एंड में तो मेरी लाइफ अच्छी ही हुई, मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिल गया, इसलिए अब मैं उनके लिए अपने मन में कोई ग्रजस नहीं रखना चाहती और मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुम्हारी माँ से। ये तो विजय ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आस्था उसकी माँ से माफी मांगना चाहेगी। विजय ने पूछा क्यों। आस्था ने कहा कि मैं जो अब माँ बनने वाली हूँ, अभी से मुझे अपने बच्चे से कितना प्यार हो गया है, अभी तो वो दुनिया में आया भी नहीं, मैंने उनसे उनका बच्चा छीना है, इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने उनके हिसाब से तो बहुत बड़ा पाप किया है जो अब मैं रियलाइज कर सकती हूँ। विजय की आंखों में आंसू आ गए थे। आस्था की प्रेगनेंसी 7th मंथ में आ चुकी थी और आस्था की कंडीशन दिन पर दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आस्था को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। अगर आस्था को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया डिलीवरी तक, तो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। विजय ये खर्चा नहीं उठा सकता है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आस्था को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। आस्था किसी चीज के लिए कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। विजय दिल्ली के बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और वहां जाकर देखी कंडीशन कि मरीज जानवरों की तरह पड़े हुए हैं, कोई उन्हें देख नहीं रहा, किसी को उनकी परवाह नहीं है, वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी कंडीशन देखकर विजय बिल्कुल टूट गया और वो अपने डैड के पास आया। उसके डैड ने कहा कि 20-30 लाख रुपए ही तो हैं, हम अरेंज कर देंगे। विजय ने पूछा इतना बड़ा अमाउंट आप कैसे अरेंज करोगे। तब पापा ने कहा कि वो लोग ये घर बेच देंगे। घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ। पापा ने कहा कि हम एक किराए का मकान ले लेंगे, एक छोटा मकान ले लेंगे, वैसे भी अब हमें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं।
विजय ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। सरगम को आस्था के पास छोड़ दिया था और कुछ बात कर ली थी उसके साथ। विजय कॉलेज पहुंचा, जहां पर 5,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे। वहां का एचआरडी मिनिस्टर आया हुआ था, बहुत बड़ा क्राउड था, प्रेस थी, पूरी कवरेज हो रही थी उस फंक्शन की। विजय स्टेज पर गया, उसने कहा, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। एंकर ने कहा कि ऐसे आप अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। विजय ने कहा, मैं तो मैनेजमेंट टीम में हूँ। इस वजह से एंकर ने विजय को माइक दे दिया था। तब पहली बार 5,000 लोगों को एक साथ विजय ने फेस किया था। विजय को स्टेज पर देखकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो कैमरास को बंद करवा देना चाहते थे, पर तब विजय ने बहुत कॉन्फिडेंटली माइक पर कहा, आज मेरी वाइफ का 28th बर्थडे है। मेरी वाइफ, जिसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं जिंदगी के, वो हमेशा से चाहती थी कि उसका बर्थडे बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट हो और उसे बहुत सारे लोग एक साथ बर्थडे विश करें। उसने ये तरीका सोचा था अपने बर्थडे को स्पेशल बनाने का। आज उसका आखिरी बर्थडे है, क्या आप सब लोग मेरे साथ मेरी वाइफ की इस खुशी में शामिल होंगे? क्या आप सब लोग गा कर उसे बर्थडे विश करेंगे? कुछ देर तो क्राउड में सन्नाटा हुआ, फिर एक लड़की खड़ी हुई और उसने जोर जोर से गाना शुरू किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आस्था। इसके बाद पूरा क्राउड खड़ा हो गया और सब लोगों ने एक साथ मिलकर आस्था के लिए बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, उसे ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया, उसे अच्छे अच्छे वर्ड्स कहना शुरू कर दिया। और वहाँ सरगम आस्था को ये सब कुछ अपने फोन पर दिखा रही थी। आस्था की आंखों में आंसू आ रहे थे। विजय ने आस्था की एक और इच्छा पूरी कर दी थी। इसके बाद जब विजय हॉस्पिटल पहुंचा तो आस्था की आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वो बहुत खुश भी थी। उसका हस्बैंड जो अब कितना कॉन्फिडेंट हो चुका है, विजय में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ गया था आस्था की वजह से। जब ये बात विजय की माँ को पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा था, इस लड़की आस्था से तो मिलना ही पड़ेगा, इसने मेरे बेटे को कितना बदल दिया है। डैड ने फोन करके विजय को कहा था, तो अब तुम्हारा काउंट 7 में से 2 हो गया है। आस्था की कंडीशन वर्सन होती जा रही थी और अब डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद आस्था का ऑपरेशन ही करना पड़े, और अगर ऑपरेशन होता है तो आस्था को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक दवाई मिलती है, जो दवाई अगर हम एचआईवी की प्रेग्नेंट लेडी को देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसकी कंडीशन कुछ बेटर भी हो सकती है। यूएसए से डॉक्टर्स की टीम आ चुकी थी जो आस्था को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने ये दवाई रिकमेंड की थी। प्रॉब्लम ये थी कि दवाई बहुत महंगी थी, 2,00,000 रुपए पर डे की दवाई थी और कम से कम 8-9 दिन लगने हैं अभी आस्था का ऑपरेशन होने में। इसका मतलब 18,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा। विजय आस्था को लेकर बहुत परेशान था, उसे आस्था की बहुत चिंता थी। वो जब भी डॉक्टर से मिलता उन्हें कहता, बच्चा बचे या ना बचे पर उसकी आस्था ठीक हो जाए, वो ऐसा कुछ करें। डॉक्टर्स कहते हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, पर वो उन्हें बार बार ये बात कहता कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आस्था इम्पोर्टेंट है। वो हॉस्पिटल की कैंटीन पे बैठा हुआ यही सब कुछ सोच रहा था कि उसने एक औरत को आते हुए देखा जिसे वो अच्छे से जानता है। वो उसकी माँ थी। माँ हॉस्पिटल में कैसे? वो भागता हुआ माँ के पास गया और पूछा, आप यहाँ आस्था से मिलने आई हो? उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू से मिलने आई हूँ। ये चमत्कार कैसे हुआ? विजय ने पूछा। तुम जो कि एक लड़की के सामने नहीं बोल पाते थे, अब 5,000 लोगों के सामने बोलने लगे, आज मुझसे सवाल पूछ पा रहे हो, ये क्या चमत्कार से कुछ कम है? पर माँ, आस्था किसी से मिलना नहीं चाहती। हाँ जानती हूँ, अब तुम मुझसे बहस करोगे क्या? इतने बदल गए हो? विजय चुप हो गया था और माँ को आस्था के कमरे में ले गया था, वहाँ जहाँ आस्था सरगम के साथ बैठी थी। माँ को देखते ही सरगम वहाँ से खड़ी होकर बाहर आ गई। विजय भी बाहर ही इंतजार कर रहा था। हेलो बेटा, कैसी हो? आस्था उठने लगी तो उन्होंने आस्था के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, उठने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ?
आपको देखकर अच्छा तो लग रहा है पर बहुत हैरान भी हूँ, आस्था ने कहा। क्यों, एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती क्या? आस्था उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरे बेटे को इतना बदल दिया है और इतनी सारी खुशियाँ दी हैं, उसके लिए थैंक यू। मैं दादी बनने वाली हूँ, ये खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आई हूँ। आस्था एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है और वो नहीं चाहती कि कोई उसके ऊपर तरस खाए। उसने कहा, मैं जानती हूँ मैं मर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कोई मेरे ऊपर तरस खाए, मैं आज भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर तरस नहीं खा रही, मैं सच में तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। आस्था ने कहा, थैंक्स तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड दिया, और साथ साथ मैं आपको सॉरी भी कहना चाहती हूँ। मैंने आपसे आपका बेटा छीन लिया, मेरी वजह से आपका घर बिक रहा है, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ आ गई हैं। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो, परिवार में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, पर जो प्रॉब्लम्स में एक साथ रहे वही तो सच्चा परिवार होता है। आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे, पर आस्था ने उन्हें कहा, माँ मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी के बहुत ही कम दिन बचे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा मत कहो, पर आस्था ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैं नहीं चाहती कि वो लोग जो मेरे अपने हैं मैं उन्हें रोता हुआ देखूं, इसलिए प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, पर मुझसे मिलने दोबारा मत आना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं दोबारा तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। पर जाते जाते वो रुक गई और उन्होंने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, पर आज मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता, और एक बार मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? आस्था ने सर हिला दिया था। वो आगे बढ़ी और उन्होंने आस्था को हक किया। आस्था ने कहा, थैंक यू सो मच, आज तक मेरी स्टेप मदर ने मुझे कभी हक नहीं किया, जाते जाते आपने मुझे ये एहसास दिला दिया कि एक माँ का प्यार क्या होता है। विजय की माँ ने आस्था का वो चेहरा अपनी आंखों में भर लिया था और वो वहाँ से बाहर आ गई थी। विजय उन्हें छोड़ने घर गया था। वहाँ पर पापा नहीं थे तो विजय ने पूछा, पापा कहाँ गए? माँ ने विजय की तरफ देखकर कहा, अच्छा तुम भी नहीं जानते, मुझे लगा सिर्फ मुझसे ही चीजें छुपाई जाती हैं। ये कहकर माँ ने दरवाजा खोला और विजय के लिए चाय बनाने लगी। 10-15 मिनट के बाद पापा वहाँ आ गए। विजय ने तब उन्हें बताया कि डॉक्टर ने एक नई दवाई के बारे में बताया है और 18 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है। पापा ने कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा था ये घर 30 लाख में बिक जाएगा, पर 20 लाख से ऊपर इसका कोई ग्राहक मुझे नहीं मिला है, और आस्था की बीमारी में कम से कम 45 लाख का खर्चा आने वाला है, ये हम कैसे मैनेज करेंगे? विजय ने पूछा, क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हमें पैसे दे सके उधार? माँ ने कहा, कोई रिश्तेदार नहीं देने वाला। पापा ने कहा, तुम्हारे जेवर? माँ ने कहा, हाँ जैसे बड़े जेवर दिलाए थे ना तुमने मुझे, जो जेवर की बात करते हो। आज बहुत दिनों के बाद विजय अपने माँ बाप के साथ मिलकर किसी चीज की डिस्कशन कर रहा था। मुसीबत के समय में कैसे पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, उस चिंता को लेकर विजय वापस हॉस्पिटल आ गया था। वो डॉक्टर से जब भी पूछता कि अगर ऑपरेशन होगा तो आस्था के बचने के कितने चांसेस हैं, डॉक्टर्स के पास कोई जवाब ना होता। वो कहते कि आस्था की कंडीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, अगर ये दवाई दें तो हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़े। विजय अपने ही दिमाग में आस्था को लेकर बहुत परेशान था, तभी पापा का फोन आया। उन्होंने पूछा, स्कोर कितना हुआ? स्कोर कैसा? विजय ने पूछा। वही आस्था की विशेष का। क्यों, क्या हुआ पापा? विजय सुनकर बहुत हैरान था। उन्होंने कहा, तुमने अपने कॉलेज की मैगजीन देखी? विजय ने कहा, नहीं क्यों? उन्होंने कहा, पहले देखो फिर बात करना। विजय बहुत हैरान था कि पापा ने कॉलेज की मैगजीन क्यों देखी और उसमें ऐसा क्या आ गया। वो उसी समय उठकर घर पहुंचा, दरवाजा खोला तो वहां पर मैगजीन पड़ी थी और देखकर वो हैरान हो गया था। कॉलेज की मैगजीन के कवर पेज पर आस्था की एक बहुत ही ब्यूटीफुल मुस्कुराती हुई फोटो थी। सोच रहा था आस्था अब कितनी कमजोर और डल हो गई है, पर कॉलेज वालों के पास ये फोटोग्राफ कहाँ से आई? कॉलेज वालों ने आस्था की अभी वाली लेटेस्ट फोटो क्यों नहीं छापी?
क्या आस्था इस बारे में जानती है? मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उस फोटो के नीचे आस्था की कहानी लिखी हुई थी। हाय, मेरा नाम आस्था शर्मा है। मैं एक HIV पेशेंट हूँ और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, एक HIV पेशेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैं जनरलाइज नहीं कर रही, पर ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ यही आता है कि वो एक सेक्स वर्कर होगा। पर ऐसा नहीं है। HIV होने के बहुत सारे कारण होते हैं। HIV पॉजिटिव मदर से उसके बच्चे को HIV हो सकता है। किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल अगर आप यूज कर ले तो उससे आपको HIV हो सकता है। एक HIV पर्सन का ब्लड अगर आपके ब्लड को टच होता है तब आपको HIV हो सकता है। सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ऐसा नहीं होता। क्या हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर गांधी जी ने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर? दुनिया में 33 मिलियन से भी ज्यादा लोग HIV पॉजिटिव हैं, उसमें से 2 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे हैं। क्या वो बच्चे भी सेक्स वर्कर्स रहे होंगे? गोवा में एक स्कूल से 13 ऑर्फन्स को निकाल दिया गया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थे। उनकी एज 5 साल से 13 साल के बीच की थी। क्या वो बच्चे भी सेक्स वर्कर्स हो सकते हैं? मैं आपको अपनी कहानी किसी सिंपैथी के लिए नहीं सुना रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे हस्बैंड, जिन्हें सबसे पहले मेरे इन्फेक्शन के बारे में पता चला, और उन्होंने आज तक मुझसे इसका कारण नहीं पूछा। जब मैंने जाना तो मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मुझे HIV कैसे हुआ होगा, पर मैं नहीं जानती। एक HIV पॉजिटिव पर्सन को सिर्फ बीमारी के साथ ही नहीं लड़ना होता, बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी झेलनी पड़ती हैं। उसे एक अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। मैंने जाना कि जब मेरी कंडीशन वर्स हो रही थी तो कोई नर्स मेरा ध्यान रखने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए। मैं हॉस्पिटल में थी तो नर्स ग्लव्स और मास्क पहन कर आती थी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेती थी और मुझे टच नहीं करना चाहती थी। पर मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो बहुत अमीर आदमी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा बेस्ट इलाज करवाने में। मुझे आपसे कोई सिंपति नहीं चाहिए, पर मैं जो माँ बनने वाली हूँ, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा HIV पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरा बच्चा HIV पॉजिटिव हो तो आप उसके साथ एक अनटचेबल जैसा व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि HIV छूने से नहीं फैलता। एक HIV पॉजिटिव पर्सन को अगर आप हग करते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं या उसके साथ खाना खाते हैं, तब भी आपको HIV नहीं होगा। मेरे बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं और उसके साथ प्लीज इस तरह का व्यवहार मत कीजिएगा। सोचिए एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जहाँ एक HIV पॉजिटिव पर्सन को नौकरी से ना निकाला जाए, उसे रेंटेड घर से ना निकाला जाए, उसके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार ना किया जाए, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। डॉक्टर्स का कहना है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट मिले तो एक HIV पॉजिटिव पर्सन 10 से 15 साल आराम से जी सकता है। मैं कोई डॉक्टर नहीं, बस अपनी कहानी आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मेरे बच्चे को आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे आप सबका प्यार चाहिए। ना मैं कोई सिनर हूँ, ना यहाँ पर कोई सिन हुआ है। मुझे HIV है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। एड्स पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही होता है। रिटन एंड एडिटेड बाय सुषमा शर्मा। आर्टिकल के पब्लिश होते ही विजय के पास फोन कॉल्स की लाइन लग गई थी। बहुत सारे लोग जो कि आस्था की कंडीशन के बारे में जानना चाहते थे, उसके लिए वरिड थे, यहाँ तक कि बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प देने को भी तैयार थे। पर 45 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। विजय नहीं जानता था कि वो कैसे पैसे अरेंज कर पाएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट से
उसे हग कर लिया था। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम एक बहुत हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा खुश रहेंगे। आस्था और विजय की सिर्फ आंखें बोल रही थीं। तभी विजय का फोन बजा। फोन विजय के कॉलेज के प्रिंसिपल का था। विजय ने फोन उठाया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। विजय ने कहा, पर सर मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और इस समय मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़ा हूँ। विजय सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। विजय ने आस्था से पूछा, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? आस्था ने इनकार कर दिया। विजय रिसेप्शन की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, आके सर यहाँ क्यों आए होंगे? क्या वो आस्था का पता लेने आए हैं? क्या विजय को डांटने के लिए? उन्हें यहाँ आने की तो कोई जरूरत नहीं। विजय रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहाँ पर वो चेयर पर बैठे थे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आस्था से मिलने आया हूँ। विजय ने कहा, आस्था की तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर्स ने कहा है कि इन्फेक्शन का खतरा है, इसलिए उसे किसी से मिलने ना दिया जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर मैं आस्था के बर्थडे पर उसे विश भी नहीं कर पाया, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट? विजय ने पूछा। उन्होंने एक एनवेलप विजय के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? ये हम सबका प्यार है, उन्होंने कहा। विजय ने जब वो एनवेलप खोला तो उसमें चेक था 50 लाख रुपए का। उसने कहा, इतना बड़ा गिफ्ट? सर ने कहा, एक प्रिंसिपल के लिए तो ये गिफ्ट बहुत बड़ा है, पर उन 5,000 बच्चों के लिए जो अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं, ये इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं। विजय की आंखें भर आई थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करने के लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ की कंडीशन इतनी खराब है। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, विजय ने कहा। उन्होंने कहा, जब तुमने उस दिन इवेंट में अनाउंसमेंट की, उसके बाद मेरे ऑफिस के बाहर बच्चों की लाइन लग गई और सब सिर्फ यही चाहते थे कि विजय सर की मदद की जाए। मैंने तुम्हारी मम्मी से बात की और मैगजीन में आस्था की स्टोरी छपवाई। उसके बाद सभी बच्चे चाहते थे कि आस्था की मदद की जाए, फाइनेंशियली आस्था को एक हेल्प दी जाए, और सभी 5,000 बच्चों ने मिलकर तुम्हारे लिए ये अमाउंट इकट्ठा किया है, और ये हम सबका प्यार है तुम्हारे लिए और आस्था के लिए। ये वो पूंजी है जो तुमने इतने साल कॉलेज में जॉब कर कमाई है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करके कमाई है, इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। विजय उस चेक को लेकर बहुत खुश था। वो सर को बहुत कुछ कहना चाहता था, पर इससे पहले वो कुछ कहता, सर वहाँ से जा चुके थे। विजय आस्था के पास पहुँचा और उसने आस्था के हाथ में वो चेक थमा दिया। कहा, ये मेरे कॉलेज के बच्चों का तुम्हारे लिए गिफ्ट है। आस्था वो चेक देखकर बहुत हैरान हो गई थी। उसने कहा, जानते हो, मेरा सपना था कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए हो। विजय का अकाउंट अब 4 out of 7 हो चुका है। तो अब विजय आस्था की लिस्ट में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। वो इंटरेस्टेड था सिर्फ और सिर्फ आस्था को बचाने में, आस्था के इलाज में। डॉक्टर्स ने विजय को बुलाया। वहां पर डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद थी। विजय से कहा गया कि जल्द ही आस्था का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। विजय ने बिना हिचकिचाते हुए पूछ लिया कि अगर ऑपरेशन होता है तो आस्था के बचने के कितने चांसेस हैं? कमरे में खामोशी थी। किसी डॉक्टर के पास इस बात का जवाब नहीं था। डॉक्टर रजा ने कहा कि बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। विजय जानता है कि वो जल्द ही अपनी आस्था को खो देने वाला है। उसने डॉक्टर रजा से कहा कि आप भी जानते हैं कि अब आस्था के पास ज्यादा समय नहीं, और मैं भी जानता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे? अगले दिन सुबह डॉक्टर रजा अपनी टीम के साथ आस्था के कमरे में आए थे और आस्था की रिपोर्ट देखते हुए वो लोग प्रिटेंड करने लगे थे। डॉक्टर रजा ने कहा, ओह माय गॉड, कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है आस्था इस मेडिसिन को, मुझे लगता है उम्मीद है। विजय ने पूछा, क्या आस्था डिलीवरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा, कहना मुश्किल है पर उम्मीद जरूर है। कल रात से आज सुबह में आस्था में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि आस्था एक हेल्दी बेबी तो डिलीवर कर ही पाएगी, उसे भी शायद हम बचा पाए। आस्था के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, वो मुस्कुराहट जो विजय देखना चाहता था।
जब डॉक्टर साहब बाहर गए तो विजय उनके साथ बाहर गया था और पहली बार एक डॉक्टर की आंखों में आंसू देखे थे। उन्होंने कहा, आज झूठ बोलकर जितनी तसल्ली मिली है इतनी तो कभी सच बोलकर भी नहीं मिली। अगले दिन जब विजय हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था तो उसने सामने एक आदमी को आते हुए देखा जिसे उसने दूर से ही पहचान लिया था, वो जो उसकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड है। डैनियल सामने से आ रहा था। विजय ने उससे पूछा, सर आप यहाँ कैसे? उसने कहा, मैं आस्था से मिलने आया हूँ। इससे पहले मैं आपको आज डैनियल की मीटिंग के बारे में बताऊं, डैनियल के बारे में कुछ बता देती हूँ। डैनियल और आस्था का 10 साल का रिलेशनशिप था। दोनों एक ही स्कूल में थे और हमेशा आस्था से वो आगे रहता था। उसके नंबर हमेशा आस्था से ज्यादा आते थे। वो एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके USA पढ़ने चला गया था। दोनों ने डिसाइड किया था कि जिंदगी एक साथ ही बिताएंगे। वो आस्था की हर छोटी से छोटी खुशी को पूरा करता। जब वो USA में था तो उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। आस्था जो उस समय एक्सिस बैंक में जॉब करती थी, उसने आस्था से कहा कि उसके पापा के नाम पर पर्सनल लोन दिलवा दे। आस्था के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, कुछ पेपर साइन करवाने वो डैनियल के घर गई थी। और उसके बाद आस्था ने फोन करके डैनियल को कह दिया था कि तुम्हारी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद उसे पता चला कि उसने एक अमीर प्रोफेसर से शादी कर ली। उसके अंदर बहुत गुस्सा था आस्था को लेकर। वो उससे बदला लेना चाहता था, उसे सजा देना चाहता था। वो जब वापस आया तो उसकी अच्छी जॉब थी, अच्छा पैसा था, उसके घर वाले उसे इंसिस्ट कर रहे थे और बहुत सारी लड़कियां भी दिखा रहे थे शादी के लिए। पर डैनियल किसी को भी हार नहीं कह पा रहा था। एक दिन बैठकर उसने सोचा, ऐसा क्यों? तब वो समझ पाया कि अभी भी वो आस्था से प्यार करता है। जब एक दिन विजय उसके घर गया था आस्था के ब्याह पर माफी मांगने, तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने सोचा था, अगर माफी मांगनी ही थी तो आस्था को आना चाहिए था ना। उससे पहले तक वो सोचता था कि आस्था का हस्बैंड बहुत अमीर है, पर विजय को देखकर उसे तसल्ली हुई थी। विजय जो कि उसे एक लूजर दिखाई दे रहा था, वो बहुत खुश हुआ था ये सोचकर कि आस्था इस बार भी हार गई है। पर एक दिन एक मैगजीन स्टोर पर जब वो गया, तब मैगजीन के कवर पेज पर उसने आस्था का चेहरा देखा और उसके बाद पढ़ी वो स्टोरी, एन इंस्पायरिंग एंड आई ओपनिंग स्टोरी ऑफ अ HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन। आस्था की कहानी पढ़ने के बाद वो समझ गया था कि विजय कितना अच्छा इंसान है, और तब वो यहाँ हॉस्पिटल में आस्था से मिलने आया था। विजय ने उसे कहा कि आस्था किसी से मिलना नहीं चाहती। तब डैनियल ने उसे रिक्वेस्ट किया, कहा कि हमारा 10 साल का रिलेशनशिप है, मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ। विजय ने कहा ठीक है। उसने वही पास से कुछ फूल खरीद कर डैनियल के हाथ में दिए, कहा उसे बीमारी के बारे में कुछ मत कहना, मेरी और तुम्हारी मीटिंग के बारे में कुछ मत कहना, उसे माँ बनने के लिए कंग्रेचुलेट करना। डैनियल ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मुझे कॉलेज में कुछ काम है। ये कहकर विजय वहाँ से चला गया और डैनियल अकेला आस्था से मिलने उसके कमरे में पहुँचा। आस्था जो ऑक्सीजन मास्क लगाकर लेटी हुई थी, डैनियल को देखकर वो बहुत हैरान हुई। उसने कहा, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? हाय आस्था, कैसी हो? कंग्रेचुलेशंस, तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी। डैनियल ने फूल आस्था के हाथ में दे दिए थे। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? सरगम ने। डैनियल ने कहा, देखो आज भी तुम वैसी ही हो, खुद ही सवाल पूछती हो और खुद ही जवाब दे देती हो। और कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा हस्बैंड SRCC में प्रोफेसर है, बहुत डिमांड है उनकी और वो एडमिशंस भी करवाते हैं। एक मीटिंग के लिए अभी गए हुए हैं और हर एडमिशन के उन्हें 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, अगर किसी ने उनकी कंप्लेंट कर दी तो? डैनियल ने कहा, बहुत डिमांड है उनकी, ये नहीं तो कोई और कॉलेज में चले जाएंगे। डैनियल मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि आस्था बिल्कुल नहीं बदली। उसने कहा, हाँ ये बात तो है, तुम्हारा हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान है। आस्था ने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, वो मेरे घर आए थे ना। तुम्हारे घर? हाँ, तुम्हारे बिहाफ पर माफी मांगने। ये सुनकर आस्था चुप हो गई थी। डैनियल ने कहा, जब मैंने उन्हें तब देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई थी ये देखकर कि एक लूजर से तुम्हारी शादी हुई है। खबरदार अगर तुमने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोला, आस्था ने कहा।
हाँ, आई नो। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी शादी एक हीरो के साथ हुई है, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। मैं हमेशा तुम्हें हर एग्जाम में हराता आया, पर अगर जिंदगी एक एग्जाम है तो आज मैं तुमसे हार गया हूँ। मैं एक लूजर हूँ, मेरे पास पैसा है, घर है, कार है, पर मेरे साथ एक इतना अच्छा इंसान नहीं है। आस्था ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया था। उसने कहा, तुम लूजर नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम बहुत अच्छा डिजर्व भी करते हो। तुम्हारे पापा ने उस दिन मुझे प्लीट किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी ना करूं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत स्ट्रगल था और मैं और स्ट्रगल नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने विजय से शादी कर ली। आई एम सॉरी डैनियल। आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे। डैनियल ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी तो मुझे होना चाहिए, हारा तो मैं हूँ। डैनियल उठकर वहां से जाने लगा, फिर रुका और आकर उसने आस्था को हक कर लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। विजय ने आस्था के बॉयफ्रेंड को खुद उसके रूम में भेजा था, पर वो मना कैसे कर पाता? आखिर आस्था की विश भी तो पूरी करनी थी, आस्था को मौका भी तो देना था डैनियल से माफी मांगने का। विजय का स्कोर अब 5 out of 7 हो चुका है और बाकी तो चीजें पूरी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक का वो मतलब नहीं जानता और दूसरा वो एक हीरो से शादी करना चाहती थी, पर उसकी शादी तो जीरो से हुई है। आस्था को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था आज ही ऑपरेशन करना होगा। विजय आस्था का हाथ पकड़कर बैठा था, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। आज वो शायद अपनी आस्था को खो देगा। आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उसकी जिंदगी के कुछ ही मिनट बचे हैं, कुछ ही समय बचा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप कितना हेल्पलेस महसूस करोगे? विजय की हालत उस समय वैसी ही थी। आस्था ने कहा, मैं सरगम से मिलना चाहती हूँ, उसको बुला दो। विजय ने उसी समय सरगम को फोन कर दिया था और सरगम वहां हॉस्पिटल में आ गई थी। विजय वहां से बाहर चला गया था, कुछ समय भीड़ में खो जाना चाहता था। वो पास ही के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल चला गया और वहां पर उसने एक लिकर शॉप देखी। आस्था को कितना शौक था ड्रिंक करने का, उसने एक छोटी सी बोतल खरीद ली और वो लेकर उसने वहीं पर पीना शुरू किया। उसे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, पर आज वो जानना चाहता है कि ऐसा क्या है इसमें कि आस्था इतनी क्रेजी है और माँ इसके बिल्कुल खिलाफ। उसे शुरू में तो टेस्ट बहुत गंदा लगा, पर उसके बाद उसे लगा कि वो किसी गार्डन में आ गया है। तभी सरगम का फोन आया, उसने कहा जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है। विजय ने अपने आप को संभाला और आस्था के कमरे में चला गया। आस्था ने पूछा, तुम ड्रिंक करके आए हो? विजय ने सर हिला दिया। उसने कहा, फिर कैसी लगी? विजय ने कहा, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। आधे घंटे बाद आस्था का ऑपरेशन है। विजय के लिए अपने आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल था। वो कुछ समय के लिए कमरे से बाहर गया, पर उसके बाद सोचा कि ये आखिरी आधा घंटा वो इस तरह से बर्बाद तो नहीं कर सकता। वो कमरे में चला गया। उसने आस्था से कहा, चलो पार्टी करते हैं। उसने वो विस्की की बोतल निकाली, अपने ग्लास में विस्की डाली और आस्था ने कहा, आज मैं पानी पी लेती हूँ। विजय ने उसके ग्लास में 5 बूंदें डाल दी थी, क्योंकि 5 विशेस ही वो उसकी पूरी कर पाया है, पर आस्था ने इंसिस्ट किया 2 बूंदे और डालने के लिए और विजय ने उसकी बात मान ली थी। उसके बाद विजय ने आस्था को हग कर लिया। आस्था मुस्कुरा रही थी और विजय की आंखों में आंसू थे, जैसे आस्था एक विनर है और विजय एक लूजर। क्या सोच रहे हो? आस्था ने पूछा। विजय ने कहा, हमारी फैमिली बड़ी होने वाली है और हमारी जिंदगी बहुत मजेदार होगी। आस्था मुस्कुरा रही थी, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आस्था को ऑपरेशन के लिए लेकर जाना है। वो आस्था को इस समय बहुत कुछ कहना चाहता है, पर उसने आस्था को हग करके कहा, आई लव यू, यू आर द बेस्ट वाइफ। आस्था ने भी उसे कहा, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। आस्था ऑपरेशन के लिए चली गई है और विजय के सामने से
उसकी पूरी दुनिया चली गई है। विजय उस दिन बहुत अकेला हो चुका था। उसने अपने पापा को फोन किया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पापा ने पूछा, क्या हुआ, आस्था को ले गए क्या ऑपरेशन के लिए? उसने कहा, पापा आई मिस यू। उसके बाद विजय वही आस्था के बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो कमरे में उसके पापा खड़े हुए थे। उसने पूछा, हो गया आस्था का ऑपरेशन, वो ठीक है? पापा ने कहा, आस्था ने एक बहुत प्यारी बच्ची को जन्म दिया है और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उसी समय वहां पर सरगम भी आ गई थी। उसने विजय के हाथ में आस्था की आखिरी चिट्ठी थमा दी थी। उसने कहा, वो खुद नहीं लिख सकती थी, शब्द उसके हैं, लिखा मैंने है। आस्था ने विजय को एक बहुत बड़ा सा लेटर लिखा था। उसमें आस्था ने लिखा था, मैं जो एक बहुत रूड, बहुत मतलबी लड़की थी, सिर्फ अपने आप से प्यार करती थी, तुम्हें पाकर मैंने जाना कि कोई किस हद तक किसी और को प्यार कर सकता है। विजय, आज मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर रजा ने बता दिया था कि मैं एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। विजय, जब मुझे पता चला कि मुझे HIV है तो मैं बहुत हैरान थी कि मुझे इन्फेक्शन कैसे हुआ। 2 साल पहले मुझे ब्लड एलर्जी हुई थी और उस समय मुझे ब्लड चढ़ा भी था। शायद उसी समय मुझे इन्फेक्शन हुआ हो, पर मुझे इस चीज की बहुत हैरानी है कि तुमने कभी मुझसे उसका कारण नहीं पूछा। मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड था कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मेरी शादी एक बहुत हैंडसम लड़के के साथ होनी चाहिए। इनफैक्ट एक हीरो के साथ शादी करना चाहती थी। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी थी, पर आज मैं अपनी माँ को माफ करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिल सका। एक हीरो क्या करता है, वो किसी भी हद तक जाता है, हर दुश्मन से लड़ता है और अपनी प्रेमिका को हर खुशी देता है। तुमने क्या किया, मेरी वो पागलों वाली विशेस जो मैंने 6 पैक वोडका पीकर लिखी थी, वो पूरी करने के लिए तुम किसी हद तक भी चले गए। तुम सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो हो। ये आखिर के 7 महीने मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम था, जिसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा अपनापन मिला। मैं जिंदगी को बहुत करीब से समझ पाई, लोगों को समझ पाई, मुझे माँ भी मिल गई और मैं खुद भी एक माँ बन गई। मुझे हर खुशी दिलाने वाले तुम मेरी जिंदगी के सुपर हीरो हो और मैं चाहती हूँ हमेशा तुम एक हीरो बनकर ही रहो। जो कॉन्फिडेंस इन दिनों में तुम्हारे अंदर आया है, उस कॉन्फिडेंस को कभी डाउन मत होने देना। और हमारी बच्ची का बहुत ध्यान रखना, वो तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि तुम एक सुपर हीरो हो। मैं नहीं जानती कि मेरी बच्ची भी HIV पॉजिटिव होगी या नहीं, पर अगर वो पॉजिटिव हो भी तो आखिरी दम तक उसका इलाज करवाना, जब तक साइंटिस्ट इस बीमारी का इलाज ना ढूंढ ले, उसे जिंदा रखना, उसका ख्याल रखना, और मैं जानती हूँ तुम ये जरूर करोगे। विजय, मेरी बेटी का नाम अपराजिता रखना, अपराजिता, ताकि वो कभी ना हारे, सिर्फ और सिर्फ जीतना सीखे। हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखना, क्योंकि शुरू में वो तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी, उसके बाद तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम हमेशा खुश रहोगे। सिर्फ चेहरा खूबसूरत होने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता, दिल खूबसूरत होना चाहिए, और तुम्हारा दिल सोने का है। तुम्हारे जितना खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारी प्यारी आस्था। विजय अपनी उस छोटी सी बेटी को लेकर अपने पापा के घर ही शिफ्ट हो गया था। पापा ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ दी थी और वो फिर से रिटायर हो गए थे। ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे, बट कुछ मिसिंग था। पापा ने एक दिन विजय से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी लिखो, एक बुक लिखो। विजय ने कहा, पर पापा, मैंने तो आज तक एक पोएम भी नहीं लिखी, बुक कैसे लिख पाऊंगा, और वैसे भी मुझ जैसे लूजर की कहानी कौन सुनना चाहेगा। वो उसी समय आस्था का लेटर ले आए और उस लाइन को सर्कल किया जिसमें आस्था ने लिखा था, तुम एक हीरो हो। विजय ने कहा,
उसने ये लाइन जानबूझकर लिखी है ताकि मेरा स्कोर 7 में से 6 हो जाए। पर एक्चुअली में तो स्कोर 5 ही है ना? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारा स्कोर 6 out of 7 है और मैं चाहता हूँ कि वो 7 out of 7 हो जाए। विजय ने पूछा, वो कैसे? ये 7th विश के बारे में आप जानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, बीबी मतलब बेस्ट सेलिंग बुक। आस्था एक बहुत अच्छी बुक लिखना चाहती थी, राइटर बनना चाहती थी और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये उसकी विश पूरी करो। उसकी कहानी, अपनी कहानी लिखो, लोगों तक ये प्यार की कहानी पहुँचाओ। विजय ने कहा, पर उन्होंने कहा, कोई पर नहीं, तुम्हें ये बुक लिखनी ही होगी। विजय के हाथ में माँ ने 3 दिन की प्राजिता को दे दिया था। विजय उसकी तरफ देख रहा था, उसकी स्माइल में आस्था की स्माइल ढूंढ रहा था। उसने कहा, हाँ, मैं जरूर लिखूंगा बुक। अगर आपने ये बुक पढ़ी है और आप इस बुक को बेस्ट सेलिंग बना रहे हैं तो आप आस्था की 7th विश को पूरा करने में विजय की मदद कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस प्यार की कहानी को सुनकर आपकी आंखें जरूर भर आई होंगी। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट किस नॉवल की समरी आप सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप वेटिंग फॉर मी। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट नॉवल। बाय बाय।